हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। महादेव की कृपा सदैव आप सभी बनी रहे। आज हम आए अमवा माफी गांव में, जहाँ पे हमको पता चला कि पहले यहाँ पे बहुत साल पहले यहाँ पे औरंगजेब का राज हुआ करता था। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे शिवलिंग सिर्फ बची है जो कि सही प्रकार से है, और जितनी भी यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो खंडित हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शिलाएं और मूर्तियां पड़ी हैं, और जो कि बहुत ही बुरी तरह से खंडित हो चुकी है। अच्छी कंडीशन नहीं है सभी की, फिर भी ये अभी सही सलामत जो पड़ी हैं। चलिए आपको और दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी शिलाएं इधर उधर फेंकी पड़ी है, घास हो जाने के कारण सही से दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें शिलाओं के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी ही बेहतरीन तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। यहाँ पर पुरानी पत्थर है, आप देख सकते हैं। अब किनकी ये मूर्ति है तो हमको नहीं पता, लेकिन ये भी एक शिला है जिसका पूजा अर्चना किया जाता है अभी गांव के अंदर। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है हमको। आप देख सकते हैं कितनी ही बारीकी सी कारीगरी की गई है शिलाओं के ऊपर। अभी भी पूरी तरीके से ये खराब नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी शिलाएं हैं कितनी ही बारीकी तरीके से इस पर कारीगरी की गई है। ये क्या हो सकता है ये तो हमको नहीं पता। यहाँ पे मंदिर किस चीज़ का था पहले, हमको तो लगता है भगवान भोलेनाथ का था, जो कि औरंगजेब ने तोड़वा दिया। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ हैं, किसी का सिर कटा है आप देख ही रहे हैं, किसी का चेहरा कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, लेकिन सभी मूर्ति जो हैं जितनी भी हैं सभी के सभी मूर्तियाँ जो यहाँ पर खंडित हैं। हमको तो ये लगता है भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है, लेकिन सही तरीके से ये भी पहचान में नहीं आ रही। आप देख सकते हैं इनका भी मुँह टूटा हुआ है मूर्ति का। अब चलिए दिखाते हैं भगवान बजरंग बली का, जो कि मूर्ति इनकी तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रभु की महिमा है कि अभी इनकी मूर्ति नहीं टूटी है सही से। आप देख ही सकते हैं बहुत सारे देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। आपको दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ की भी यहाँ पे प्रतिमा है, जो भी थोड़ा थोड़ा पहचान में आ रही है। अभी यहाँ पे कितनी सारी शिलाएँ हैं जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। आप चलिए आपको दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा समझ में आती है। उनके गले में जो नाग देवता जी हैं, आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की प्रतिमा है, लेकिन इनका भी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है इसकी भी। आप देख सकते हैं बगल में माता दुर्गा जी की मूर्ति है, लेकिन वो भी पूरी तरह से खंडित हो चुकी है मूर्ति भी अभी, क्योंकि हमको समझ में आया क्योंकि यहाँ पे शेर है एक। अब देखिए जितने भी मूर्ति देखेंगे आपको उसके सिर कटे हैं, किसी के हाथ कटे हैं। अब देखिए मूर्ति को कैसे खंडित किया गया, इसका सिर ही गायब है। इन शिलाओं को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अभी खुदाई का काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पानी टंकी बना है गाँव में पानी के लिए। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं वो स्थान। ये अमवा माफी गांव है आसपास, इसके बगल में एक गाँव में ही स्थित है, आसपास नहीं बगल में ही है स्थित। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से कार्य प्रगति पर है। आप देखिए ये किसकी मूर्ति है, प्रतिमा है, हमको तो नहीं पता। इसका भी मुंह है जो तोड़ दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी शिलाएँ पड़ी हुई हैं जो सही से पहचान में नहीं आ रही, लेकिन बहुत पुरानी बताई जाती है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे काम कितनी ही सावधानी से और कितनी बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो रहा है। पहले यहाँ पे बताया जाता था कि जो ये प्लेस है यहाँ पे आवाज़ आती थी कुछ रात को, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, अब नहीं आती है आवाज़ जब से काम लगा हुआ। पहले बताते थे कि यहाँ पे आवाज़ आती थी, कुछ खनखने की आवाज़ आती थी,
कुछ चलने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब आवाज़ नहीं आती है, ये बंद हो गई है। आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर का, हमको लगता है ईंटे से जो बनाई गई है दीवार, बहुत ही मजबूती तरह से, आप देख सकते हैं हम आपको ईंटा दिखा रहे हैं। यहाँ चारों तरफ आपको ईंटा ईंटे दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं कहीं सोने की मुद्रिका भी पाई गई है, जो कि गाँव कुछ लोग पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करें। हमने गांव वालों से भी बात किया है तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे कि मुसलमानों का राज हुआ करता था बहुत ही औरंगजेब के ज़माने में, जिस कारण से उन्होंने ये जो यहाँ का मंदिर है उसे तोड़वा दिया था। आप देख सकते हैं जितनी भी यहाँ पे शिलाएँ हैं वो सभी खंडित हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इतनी बारीकी से इसकी जो है कि इसको बनाया गया है कि अभी भी ये शिलाएँ सही से पड़ी हैं। ये भी नया नया खुदाई के समय मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।